अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपनी लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। हमारा लेक्चर जो है वो आज होगा फिजियोलॉजी एनाटॉमी बुक से। ये पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 3 है। पेपर नंबर 2, बुक नंबर 3, लेक्चर नंबर इसका 9 है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। अच्छा, इसमें हम लोग बेसिकली सर्कुलेशन सीवीएस सिस्टम को पढ़ रहे थे। अभी तक क्या पढ़ लिया, आइए उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सर्कुलेशन जो है इसका सबसे मेन जो चीज होती है वो इसका हार्ट होता है। हार्ट के साथ फिर इसकी वेसल्स होती हैं, नालियां होती हैं। अच्छा, नालियां दो किस्म की होती हैं। एक नाली वो होती है जो साफ खून को लेके जाती है, उसको आर्टरीज कहते हैं, जो आगे मजीद आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर कैपलरीज में। अच्छा, दूसरी वो नालियां होती हैं जो गंदा खून बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती हैं, उनको वेन्स कहते हैं। वो पहले वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन्स होती हैं। अच्छा, फिर ये जब आर्टरीज हार्ट के करीब आती हैं तो बड़ी आर्टरीज का नाम अयोटा होता है और बड़ी वेन का नाम वेना कैवा होता है। ठीक है जी। और फिर ये जो हार्ट होता है इसकी हमने बात की थी कि ये 300 ग्राम मेंस में होता है इसका वजन, 250 ग्राम फीमेल्स में इसका वजन होता है। और इसके सिस्टमैटिक की अगर बात करें, इसके चैम्बर 4 होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स और नीचे वाले 2 चैम्बर्स। ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल चैम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट दो साइडों के। अच्छा, फिर इसके वॉल्व जो हैं वो 4 होते हैं, 2 सेमीलूनर वॉल्व होते हैं, 2 एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं। ठीक है जी। एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स को, एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व्स कौन से होते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल्व, बाइकैप्सिड वॉल्व और सेमीलूनर वाल्व्स कौन से होते हैं? पल्मोनिक वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। इसकी हम सर्कुलेशन की बात करें तो 2 सिस्टम की सर्कुलेशन होती है, एक सिस्टम सर्कुलेशन होती है और दूसरी जो होती है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है, वो खून जो हार्ट फेफड़ों की तरफ बैठता है, लंग्स की तरफ, लंग्स से खून साफ होकर वापस हार्ट की तरफ आता है, इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और साफ खून को जब हार्ट सिस्टम की तरफ, बॉडी की तरफ भेजेगा और बॉडी फिर वहां से दोबारा गंदा खून लेकर वापस आएगी, इस सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने इसके कुछ फंक्शंस भी पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज इसकी सेंसाइटियम होती है, मतलब पूरा का पूरा हार्ट एक यूनिट बन के काम करता है। फिर इसकी रिदमिसिटी भी होती है कि एक रिदम में काम करता है। कंडक्टिविटी भी होती है इसकी। उसके बाद आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा था कि एक हार्ट बीट से पैदा होकर दूसरी हार्ट बीट तक, मतलब यहाँ एक मुकम्मल हार्ट बीट जो है वो एक कार्डियक साइकिल कहलाती है, जो कि 0.8 सेकेंड की होती है। कार्डियक साइकिल के आगे मजीद 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से 3 स्टेजेस वेंट्रिकुलर सिस्टोल की होती हैं, 5 वेंट्रिकुलर डायस्टोल की होती हैं। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टेजेस हैं वो 0.303 सेकंड्स की होती हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जो स्टेजेस हैं 5, वो 0.495 सेकंड्स की होती हैं। फिर हमने हार्ट साउंड्स को पढ़ा। हार्ट साउंड्स 2 होती हैं मेनली, लब और डब, और जो तीसरी है वो मरमर है। लब डब क्या होती है? बेसिकली जो लब है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और आपके एवी वॉल्व्स बंद होते हैं, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो लब होती है। और फिर जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल ख़त्म होता है और सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से जो आवाज़ पैदा होती है वो डब होती है, सेकेंड वॉइस ऑफ हार्ट उसे कहा जाता है। फिर अगर आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक ना हो, टर्बुलेंस हो, तो उसको मर्मर साउंड भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा ईसीजी। ईसीजी क्या करती है? बेसिकली हमारे हार्ट के जो करंट लेवल है
और करंट से प्रोड्यूस होने वाली कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और उसके इवेंट्स को रिकॉर्ड करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को बनाने वाला सबसे पहला शख्स जो था वो एंथोविन था। इसने सबसे पहली ईसीजी मशीन बनाई थी और ईसीजी किया था। अच्छा, ईसीजी में जो है वो तीन, इसमें एक पी वेव होती है, एक क्यू आर और एस वेव होती है, और एक टी वेव होती है। इसमें एक यू वेव भी होती है, ठीक है जी। तो फिर ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बता दिया था कि पी वेव कब पैदा होती है, जब एट्रियम डीपोलराइजेशन होती है। अच्छा, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का भी आपको लास्ट टाइम बता दिया गया था कि क्या होता है। अच्छा, जब एट्रियम डीपोलराइजेशन होगा तो पी वेव पैदा होगी। अच्छा, जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन खत्म हो रहा होगा, रीपोलराइजेशन हो रहा होगा, तो टी वेव बनेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, इनका सेकंड्स कितने हैं, इनके वोल्ट्स कितने होते हैं। आज हमने पढ़ना है नॉर्मल इंटरवल। सबसे पहले हमारा इंटरवल है पी वेव से लेकर एस वेव तक, सॉरी आर वेव तक। ये हमारी पी वेव है, ये हमारी क्यू वेव है, ये आर वेव है, ये एस है, तो ये टी वेव है। टी वेव, अच्छा, सबसे पहले अगर हम पी वेव की बात करें, पी आर इंटरवल, फिर सॉरी इसको तीनों बना लेते हैं। ये पी वेव यहां से लेकर ये आर तक, ये होगा हमारा पी आर इंटरवल। फिर ये क्यू वेव से लेकर एस वेव तक, ये होगा हमारा क्यू आर एस इंटरवल। इसके बाद होगा हमारा एस टी इंटरवल, इंटरवल क्यू टी इंटरवल, ठीक है जी। एक ये क्यू आर एस इंटरवल है, उसके बाद आएगा क्यू से लेके टी तक का इंटरवल, इसको बोलेंगे क्यू टी इंटरवल। फिर आएगा हमारा एस से लेकर ये टी तक इंटरवल, इसको एस टी इंटरवल बोलेंगे, ठीक है जी। ये इंटरवल्स मतलब पी वेव से लेकर आर वेव के बनने तक जो टाइम है, जो इवेंट है, उसको पी आर इंटरवल कहते हैं। अच्छा, ये पी आर इंटरवल क्यों होता है, इसका क्या फायदा होता है, ये कितने सेकंड में होता है, इसका वाया कितना होता है, ये सारा कुछ हम इसमें अभी पढ़ेंगे। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग दिस इंटरवल द कार्डियक इंपल्स इज ट्रेवल फ्रॉम द एस एन ओ टू द वेंट्रिकल। वो ये कह रहा है कि ये जो इंटरवल है ये बेसिकली पी वेव के ऑनसेट से लेके क्यू आर एस जो है उसके ऑनसेट तक होता है। मतलब आपका पी वेव जहां से बनना शुरू होगी वहां से लेकर आपके जो क्यू आर एस वेव जहां से बनना शुरू होगी वहां तक होता है ये। और बेसिकली ये बताता क्या है, ये आपको ये बताता है कि जो आपका एस ए नोड है उसकी जो एस ए नोड जो करंट प्रोड्यूस करता है हार्ट के अंदर, ये उसके इतने इंटरवल में उसकी करंट जो है वो पहुंच जाती है कहां तक, वेंट्रिकल्स तक। इट्स ड्यूरेशन इज 0.1 to 0.20 सेकंड। तो इसकी जो इंटरवल होगी वो 0.1 से लेके 0.2 सेकंड तक होगी। दिस इंटरवल टेंड्स टू बी लॉन्गर इन स्लो हार्ट। अगर आपके
करंट जो है ऐसे नोड जो प्रोड्यूस करेगा करंट को, अगर वो वेंट्रिकल्स तक देर से पहुंचेगी तो आपका पी आर इंटरवल लंबा हो जाएगा, 0.12 सेकेंड से 0.20 से वो बढ़ जाएगा, वो 0.3 सेकेंड्स का हो सकते हैं, ठीक है। इट इज प्रोलॉन्ग इन रूमेटिक फीवर शोइंग डिलेड एवी कंडक्शन। और बाज़ुका जब आपको रूमेटिक फीवर होता है, बुखार होता है, तो शदीद बुखार हो, उसमें फिर ये जो आपका पी आर इंटरवल है ये कम हो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हार्ट की जो करंट फ्लो है वो कम होती है और फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फ़र्क आ जाता है। द पी आर इंटरवल अक्कर ड्यूरिंग एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन थ्रू द ए वी नोड। तो जारी बात है पी वेव कब बनती है, जब एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है क्यू आर एस इंटरवल। दिस अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया था कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट होने की तरफ जा रहे हूं। अच्छा, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहीं पे भी वो बात कर रहे हैं कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी। अच्छा, वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे ना जब जो हमारे एट्रियम है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, रीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहीं पे उसने पहली वाली बात की है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द एस वेव, इट्स ड्यूरेशन इज 0.8 to 0.10 सेकेंड। तो इसकी जो ड्यूरेशन है क्यू आर एस वेव की वो 0.10 सेकेंड होती है। अब आता है क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल ये कहां से होता है, इट इज मेजर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ टी वेव। क्यू वेव के स्टार्ट होने से टी वेव के एंड होने तक जो हमारा इंटरवल होगा वो कहलाएगा क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल दिस अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इट्स ड्यूरेशन इज 0.4 to 0.43 सेकेंड्स। और ये सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है हमारे ईसीजी का। अच्छा, ये क्यू आर एस वेव्स कब बनती है, जब डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल स्टार्ट होते हैं। अच्छा, टी वेव कब बनती है, जब डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के खत्म होकर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। तो ये टी वेव के एंड होने तक है, तो मतलब कि रीपोलराइजेशन भी खत्म हो जाएगी। तो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन में ये जो क्यू टी इंटरवल होगा, इस मुकम्मल इस इंटरवल में हो जाएगा, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.4 सेकेंड होगी। नेक्स्ट है एस टी इंटरवल। नेक्स्ट क्या है, एस टी इंटरवल। दिस बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव एंड लास्ट अप टू द टी वेव एंड लास्ट अप टू द टी वेव। ये एस वेव से स्टार्ट होगी, ठीक है जी, जब एस वेव बनना शुरू होगी वहां से एस टी इंटरवल शुरू होगा, और जब टी वेव खत्म हो जाएगी वहां पर ये क्या करेगा, टी वेव हमारा इंटरवल पूरा हो जाएगा। ये बेसिकली वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन का एक मुकम्मल इंटरवल होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.32 सेकेंड है, ठीक है जी। तो सबसे लंबे जो हमारे दो ड्यूरेशन हुए वो क्यू टी इंटरवल हुआ और एस टी इंटरवल हुआ। अब इस ईसीजी के स्टडी करने से, पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव, पी इंटरवल, एस टी इंटरवल, क्यू आर टी इंटरवल, ये सारे इंटरवल करने के हमें फायदे क्लिनिकल क्या मिलते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। बाय स्टडिंग द ईसीजी वी कैन नोट द फॉलोइंग पॉइंट रिलेटेड विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ईसीजी को स्टडी करने से हमें हमारे हार्ट के मुख्तलिफ किस्म के होने वाले इवेंट्स जो हैं उनको स्टडी करने का मौका मिलता है। कौन कौन से, हार्ट रेट, सबसे पहले हार्ट रेट, दूसरा
हार्ट रेट का मतलब कार्डियक साइकिल है पूरा का पूरा। उसके बाद है रिदम, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये रिदम। तीसरा है पोजिशन ऑफ हार्ट, एक्सिस डेविएशन। थर्ड है वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, मतलब आपके जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन उनकी प्रॉपर है, उनमें कोई चेंजिंग तो नहीं है। इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस कि आपके जो हार्ट की जो पावर है, जो ताकत है, उसमें फर्क तो नहीं पड़ा। पी वेव, क्यू आर इंटरवल, क्यू वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एस टी इंटरवल, टी वेव्स, ठीक है जी। फिर आता है बेसिक फैक्ट अबाउट ईसीजी। ईसीजी का जो है वो असल में फैक्ट क्या है। ईसीजी इज अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिविटी ऑफ, वो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपके हार्ट के अंदर होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बेसिकली उसको रिकॉर्ड करना जो है वो ईसीजी का काम है। इसमें पी वेव होती है, क्यू आर एस वेव होती है, टी वेव होती है, यू वेव होती है। पी वेव का बकर होती है जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकंड है। एम्पलीट्यूड जो है इसका 2 mm है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब कब होती है, जब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है और इसका जो ड्यूरेशन 0.1 सेकंड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 सेकंड और 0.5 mm होता है। टी वेव जो है वो दो वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन से होती है। यू वेव जो होती है वो उसके बाद होती है और टी वेव जो है वो बेसिकली पी वेव तक जाती है। ये हमारी ईसीजी खत्म हो गई, ठीक है जी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपका ब्लड जो खून की नालियों पर प्रेशर डालेगा, आपका खून जो खून की नालियों पर प्रेशर डालेगा अपने बहाव के लिए, उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एट्रियल ब्लड प्रेशर विच इज फोर्स एग्जर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द सिस्टमेटिक आर्टरीज। वही उसने दोबारा उसकी डेफिनेशन बताई है कि आपका खून जो प्रेशर खून की नालियों पे डालेगा अपने बहाव के लिए, उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इसमें दो किस्म के ब्लड प्रेशर आते हैं, पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स विच डिवेलप एट द पीक ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। पहला वो प्रेशर होगा जो खून की नालियों की दीवारों पर डेवलप होगा वेंट्रिकल सिस्टोल होने से। आपके हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, उससे जो खून की नालियों पर प्रेशर पड़ेगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की क्या होती है रीडिंग? वो होती है 120 mm मर्करी। दूसरा आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस इज द मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। और जो प्रेशर आपके वेंट्रिकल्स डायस्टोल डालेंगे, जब आपका वेंट्रिकल जो है ब्लड के नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे और उनकी वजह से जो मिनिमम ब्लड प्रेशर आर्टरीज पे पड़ेगा, खून की नालियों पे पड़ेगा, उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये है 80 mm मर्करी। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड क्लिनिकली विद द स्फिग्मोमैनोमीटर विच इज एदर ऑफ मर्करी और एनारॉइड टाइप। ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर।
इसमें मरकरी होता है। एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट एटलीस्ट 15 to 20 minutes। द पेशेंट शुड बी इन अ सिटिंग और लाइंग पोजिशन। पेशेंट को आराम करवाया जाता है, 15 से 20 मिनट रिलैक्स बिठाया जाता है, उसके बाद उसको या तो बिठा कर या लिटा कर उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। देयर आर टू मेथड फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को लेने के 2 मेथड हैं। पहला है पाल्पेट्री मेथड, दूसरा है ऑस्केल्टरी मेथड। ठीक है जी, ये नाम याद रखने हैं आपने दोनों। फिर आता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में चेंजिंग आने की वजूहात क्या हैं? पहला है डायर्नल वेरिएशन। ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर नॉर्मली आमतौर पर लो होता है, आमतौर पर लो होता है, और शाम या दोपहर को ब्लड प्रेशर हाई होता है। एज, ब्लड प्रेशर राइजेज विद एज। जो जो उम्र बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट डिफरेंट एजेस। इन्फेंसी, बिल्कुल 1 माह का जो बच्चा होता है उसमें 80 to 90 ब्लड प्रेशर होता है। चाइल्डहुड, छोटे बच्चे में, 3-4 साल के बच्चे में 90 से 110 जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। जो अडल्ट होते हैं, टीनएजर्स, जिनको 13 साल से बड़े होते हैं, उनको 110 से 120 ब्लड प्रेशर होता है। और जो एजिड 55 साल से ऊपर, 40-45-50 साल से ऊपर होते हैं, उनका 140 से 150 ब्लड प्रेशर रहता है। फिर आता है जेंडर या सेक्स। बिफोर द अक्रेंस ऑफ मेन्यूपॉज इन फीमेल्स, मेन्यूपॉज एक नॉर्मल फिनोमिना है कि 40 साल के बाद औरतों को माहवारी आना रुक जाती है, उसको मेन्यूपॉज बोलते हैं। तो मेन्यूपॉज से पहले फीमेल्स जो हैं उनमें ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम होता है मेल्स की बनिस्बत। आफ्टर मेन्यूपॉज ब्लड प्रेशर में भी स्लाइडली हायर देन मेल ऑफ द सेम एज, लेकिन मेन्यूपॉज के बाद ये जो ब्लड प्रेशर है ये राइज कर जाता है। बॉडी बिल्डिंग, ओबीज पर्सन टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर। मोटे बंदे में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। स्लीप, इन रेस्टिंग कंडीशन एज ए स्लीप ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज। सोते हुए ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट डिक्रीजेज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपके एक्सरसाइज करते हुए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। इन सीवियर एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में राइज अप टू 180 nm। और अगर हम शदीद किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर 180 mm मरकरी तक भी जा सकता है। पोस्चर मतलब आपके जिस्म की कैफियत, खड़ा रहना, बैठे रहना, लेटे रहना। खड़े खड़े कोई शख्स होगा तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, बैठे हुए शख्स का कम, और लेटे हुए का उससे भी कम होगा। एक्साइटमेंट और इमोशंस, दिस मे कॉज एन इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो एक्साइटमेंट है, इमोशंस है, जज्बाती हो जाना, खुश हो जाना, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाने के बाद देयर इज अ स्लाइट राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स ड्यू टू द वैसोडायलेशन इन सर्टन वेसल्स ऑफ द बॉडी। खाना खाने के बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है क्योंकि आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, इसका जो फार्मूला है आइए मैं आपको लिख देता हूं, इसको आपने जरूर याद रखना है। बीपी इज इक्वल टू सीओ इनटू पीआर। बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर, सीओ मीन कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो
ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना कार्डियक आउटपुट आपके हार्ट से आ रहा है और उसको कितनी आगे से जो वेसल्स हैं वो रेजिस्टेंस दे रही हैं, ठीक है, मतलब कितना ब्लड आपके हार्ट ने पंप किया है और उसको नालियों में से कितनी रेजिस्टेंस मिली है, ये मिलके बनाएंगी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और कार्डियक आउटपुट जो है ये इज इक्वल टू है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है जी, तो जितना आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो हार्ट कार्डियक आउटपुट फिर भी ज्यादा होगा, ठीक है जी, ये डिपेंड करता है। फैक्टर इफेक्टिंग हार्ट रेट, वो कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, ऑटोनॉमिक इंटरवेंशन, हार्मोन, फिटनेस लेवल, एज, ये सारे डिपेंड करते हैं हार्ट रेट पे, और हार्ट साइज स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या डिपेंड करता है, हार्ट साइज, फिटनेस लेवल, जेंडर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, प्री लोड, आफ्टर लोड। ठीक है जी, तो ब्लड प्रेशर जो है उसका कुछ उन्होंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल, फिर है प्री हाइपरटेंशन, फिर है हाइपरटेंशन स्टेज वन, फिर है हाइपरटेंशन स्टेज टू और हाइपरटेंशन स्टेज थ्री। नॉर्मल का होगा 120/80, ठीक है जी, प्री हाइपरटेंशन में होगा 139, ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं 120, और ये सिस्टोलिक होगा हमारा, ये डायस्टोलिक होगा, ये होगा 80 नॉर्मल में, प्री हाइपरटेंशन में होगा अप टू 139 और डायस्टोलिक में होगा अप टू 90, ठीक है जी। फिर 140 से लेके 159 तक सिस्टोलिक स्टेज वन होगा, और 90 से लेके 99 तक क्या होगा, ये डायस्टोलिक स्टेज वन होगा। फिर स्टेज टू की बात करें तो 160 से लेके 179 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, स्टेज टू जो होगी वो होगी 100 से लेके 109 तक, और अबव 180 से ज़्यादा स्टेज थ्री होगा, और यहाँ पर 110 से ज़्यादा जो है वो डायस्टोलिक स्टेज थ्री होगा। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ब्लड प्रेशर अगर इस रेंज में आएंगे तो आप कौन से लेवल में फॉल करेंगे, अगर तो 120 ब्लड प्रेशर है आपका सिस्टोलिक तो आप नॉर्मल है, अगर आपका 139 से नीचे नीचे है तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाएगा।
अगर आपका 140 और 150 के दरमियान में आ रहा तो आपको हाइपरटेंशन हो गई, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी लेकिन स्टेज वन होगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से 179 आ रहा है और ये बेसिकली आ रहा है 160 से 179 के दरमियान, तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी स्टेज टू है। और अगर आपका 180 से अबव रह रहा है तो फिर आपको हाइपरटेंशन की स्टेज थ्री है। ठीक है जी, ये एक चार्ट उन्होंने बनाया हुआ था जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है पल्स। पल्स क्या होती है? द रिदमिक एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम देख लेते हैं। पल्स नबज भी जिसे बोला जाता है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू द सर्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बीट ऑफ द हार्ट। वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द सर्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बीट ऑफ द हार्ट, मतलब आपका हार्ट जब आपके ब्लड को आपकी खून की नालियों में भेजता है और फिर वो खून की नालियों में जब ब्लड चलता है उसकी वजह से जो खून की नालियां सुकड़ती और फैलती हैं उसको पल्स बोला जाता है। द पल्स इज मोस्ट ऑफन मेजर्ड बाय द फीलिंग ऑफ द आर्टरीज ऑफ द रिस्ट। आम तौर पर जो आपकी कलाई होती है, इस कलाई पे जो आपकी आर्टरी होती है वहां से इस नब्ज को फील किया जाता है। देयर इज ऑल्सो अ पल्स ऑल्दो फार वीकर इन वेन्स। वेन्स के अंदर भी पल्स होती हैं लेकिन वो बहुत थोड़ी होती हैं, कम मतलब हल्की होती है। पल्स रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट्स पर मिनट इन अ पर्सन। पल्स रेट क्या होता है कि एक मिनट के अंदर जितनी पल्स जो हैं वो होंगी उसको पल्स रेट बोलेंगे। नॉर्मली कितनी होती हैं एक मिनट में? 72। फिर आता है पल्स रेट द नंबर ऑफ पल्सेशन नोट इन द पल्सरी आर्टरी पर यूनिट टाइम। हार्ट रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक वेंट्रिकल पर यूनिट ऑफ टाइम। तो जितनी बार आपका दिल जो है वो एक मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको कार्डियक रेट बोलेंगे। फिर रेडियल पल्स क्या होती है? द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड द टिश्यूज टू द बॉडी। वेन कैरीज डेप्लेटेड ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द सेम टिश्यूज बैक टू द हार्ट। द आर्टरीज आर द वेसल विद द पल्स आर रिदमिक पुशिंग ऑफ द हार्ट इन द साउंड इन द हार्ट फॉलोड बाय द रिफिलिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर। टू डिटरमाइन हार्ट रेट वन फील्स द बीट्स एट द पल्स पॉइंट लाइक द इनसाइड ऑफ द रिस्ट फॉर 10 seconds। द मल्टीप्लाइज द नंबर बाय द 6। दिस इज अ पर मिनट टोटल। तो आपके रेडियल जो मतलब जो रेडियस की तरफ आपकी होंगी मतलब आपके अंगूठे की तरफ जो वेन जो आर्टरी होगी वहां से अगर इसको लिया जाएगा तो उसको रेडियल पल्स बोलेंगे। और अगर आपके नीचे की तरफ से इस तरफ से लेंगे रेडियल पल्स होगी, इस तरफ से लेंगे रिस्ट पल्स होगी। बस इतनी सी फर्क है। आर्टेरियल पल्स क्या होती है? जो आर्टरीज में से ली जाए। इन द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर चेंजेस विद इन द आर्टरीज दिस पल्स मूव मच फास्टर देन द ब्लड इटसेल्फ। वीनस पल्स क्या होती है? दिस इज द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द वेन ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस। द वीनस पल्स कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली बाय इंट्रोड्यूसिंग कैनुला इनटू अ वेन एंड रिकॉर्डिंग द प्रेशर चेंजेस बाय अ मर्करी मैनोमीटर। ठीक है जी, तो अगर वेन से ली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? वीनस पल्स। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ हेमरेज। डेफिनेशन पल्स का मतलब सिंपल सा एक मतलब पल्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ, ज़्यादा नहीं बताया हुआ। आइए फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ हेमरेज। डेफिनेशन ऑफ हेमरेज, हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग और द एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमरेज। ब्लीडिंग का हो जाना या एबनॉर्मल ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है? हेमरेज। द पेशेंट मे हैव एन इंटरनल हेमरेज दैट इज इनविजिबल और एन एक्सटर्नल हेमरेज दैट इज इनविजिबल इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो ये कह रहा है कि किसी भी मरीज के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली ऐसी ब्लीडिंग का हो जाना जो कि अनकंट्रोलेबल हो उसको हेमरेज बोलेंगे। ब्लीडिंग इनटू द स्प्लीन और लिवर इन द इंटेस्टाइनल हेमरेज।
लीवर के अंदर या स्प्लीन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना इंटेस्टाइनल इंटरनल हैमरेज कहलाएगी। ब्लीडिंग फ्रॉम द कट ऑफ द फेस और द एक्सटर्नल हैमरेज, तो अगर ये कहीं स्किन पे कट लग जाएगा वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको एक्सटर्नल हैमरेज बोलेंगे। द टर्म हैमरेजिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हैमा ब्लड एंड रिमेजिंग टू फोर्थ फ्री और फोर्सफुल एस्केप ऑफ द ब्लड। तो हैमरेज का हैमरेजिक का मतलब वो बता रहा है कि हीम का मतलब ब्लड है और रेजिक का मतलब है टू फील फ्री। तो मतलब फील फ्री का मतलब है कि अगर एक खून खुद ब खुद बही जा रहा है रुक नहीं रहा तो उसको क्या बोलेंगे, हैमरेज। टेक्निकली नोन एज हेमरेजिक और हेमरेजिंग इज द लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट और उसकी नालियाँ उनसे ब्लड का भाग जाना निकल जाना क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली वेयर ब्लड लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द बॉडी। ब्लड हेमरेज जो है वो इंटरनल हो सकती है जिसमें ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकल कर आपके जिस्म के अंदर ही फैलना गिरना शुरू हो जाएगा। एदर थ्रू अ नेचुरल ओपनिंग सच एज अ वजाइना माउथ नोज एयर और एनस। और एक्सटर्नली क्या होगा कि ब्लड जो है वो बॉडी से फ्लो आउट करना शुरू कर देगा, बॉडी से बाहर जाएगा। अच्छा, बॉडी से बाहर कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है नोज के थ्रू, आपकी वजाइना के थ्रू, आपके एयर के थ्रू, इनमें से स्किन के थ्रू भी जा सकता है। द कम्प्लीट लॉस ऑफ द ब्लड इज रेफर्ड टू द एक्जेकुनेशन एंड डिससेंगुनेशन इज अ मैसिव ब्लड लॉस। और एक्जेकुनेशन होगा अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और मैसिव के बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसको बोलेंगे डिससेंगुनेशंस। टिपिकली अ हेल्दी पर्सन कैन एंड्योर अ लॉस ऑफ 10-15% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। और एक इंसान जो है वो 10-15% अपनी बॉडी का जो ब्लड है उसका 10-15% का हिस्सा जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकता है इन अ सीरियस मेडिकल डिफिकल्टीज। और उसको कोई सीरियस डिफिकल्टीज मेडिकल्स की नहीं आएंगी। एंड ब्लड डोनेशन टिपिकली टेक 8-10 ऑफ द डोनर ब्लड वॉल्यूम। और अगर वो किसी को ब्लड डोनेट करता है तो वो जो बॉटल होती है उसमें बॉडी का 8-10% सिर्फ ब्लड आता है। ठीक है जी, तो ये एक हेमरेज का और ब्लड लॉस होने का और ब्लड देने का थोड़ा सा उन्होंने आपको आइडिया दिया है इस टॉपिक के अंदर। तो हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें मैं जो हमने पढ़ा आई है उसको दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो आपके ब्लड की जो नालियां हैं उन पे जो फोर्स लगाएगा उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर डिपेंड किस पे करता है कि कितना ब्लड आ रहा है और उसको खून की नालियां कितना रेजिस्टेंस दे रही हैं, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के आपके जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिस फ्लो से ब्लड नालियों में जाएगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और वो कितना होगा 120 mmHg। और फिर दूसरा होगा डायस्टोलिक, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए और फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने लगेंगे तब किस फ्लो से ब्लड जाएगा वो डायस्टोलिक होगा, जिसकी जो रीडिंग होती है वो 80 mm होती है। और ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, बेसिकली एज पे। छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर कम होता है, बूढ़े होते होते आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स में ब्लड प्रेशर कम मर्दों में ज़्यादा होता है, बॉडी बिल्डर मोटे शख्स में ज़्यादा होता है, सोते हुए ब्लड प्रेशर कम होता है, एक्सरसाइज करते हुए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खड़े खड़े ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बैठे हुए कम होता है, एक्सरसाइज करते हुए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इमोशन जज्बाती हुए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खाने हुए भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फिर पल्स क्या आती है, नब्ज़। जब आप ब्लड जो है वो नालियों में फ़्लो कर रहा होता है उसकी वजह से नालियां सुकर रही और फैल रही होती हैं वो पल्स कहलाती है। और एक मिनट के अंदर कितनी बार वो नाली जो है वो फैलती और सुकड़ती है इसको पल्स रेट कहते हैं, जो कि नॉर्मल 72 per minute होता है। ठीक है जी। उसके बाद हैमरेज क्या होता है कि हैमरेज होता है ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड का लॉस हो जाना। कहाँ से लॉस होना, आप इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट या वेसल खून की नालियों में से ब्लड का निकल कर आपके जिस्म के अंदर ही गिरना इंटरनल ब्लड ब्लीडिंग हेमरेज कहलाएगी।
और आपके जिस्म के वेसल से ब्लड के निकल कर जिस्म से बाहर जाना एक्सटर्नल हेमरेज कहलाएगी। और इंटरनली वो कहाँ से हो सकती है, लिवर से, स्प्लीन से, उसके अलावा गट में से, जीआईटी में से। एक्सटर्नल आपकी स्किन से हो सकती है, एयर, नोज, वजाइना, इन सब एरिया से एक्सटर्नल हेमरेज भी हो सकती है। अच्छा, अगर आपकी बॉडी का 10-15% ब्लड लॉस भी हो जाएगा तो बॉडी फिर भी उसको कंपनसेट कर सकती है, कोई भी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो जाएगा तो सीरियस इमरजेंसी हो सकती है। अच्छा, अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं तो वो जो ब्लड बॉटल होती है वो आपकी बॉडी का सिर्फ 8-10% ब्लड ले रही होती है, तो इसलिए आप ब्लड डोनेट भी इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इसमें कोई इसके साथ साथ हमारा CVS सिस्टम भी ख़त्म हो गया। इसमें कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ भी आपको समझ ना आई हो, आप व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये CVS सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपने ज़रूर याद करना है, अपना और अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।